अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो 7.8। तो इसको हम देखते हैं, क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक ग्लास उससे क्यूब है, क्यूब शेप का मान लेते हैं, क्यूब है उसमें ग्लास जो है 5 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। उसका जो मैस होती है 6 ग्राम है, इसके अंदर कैविटी है, कैविटी क्या होती है हमारे पास, वो खाली जगह होती है, कहते हैं कैविटी इन साइड, इसके अंदर कैविटी। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, वो कह रहा है अगर इसकी डेंसिटी जो है वो 2.5 हो तो उसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इसका फाइंड करना है, हमने कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए जो हमारे पास होगा, हम पहले वो होल क्यूब का सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर हम ग्लास का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो होल क्यूब में से ग्लास का जो वॉल्यूम होगा उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी आएगी हमारे पास जो कैविटी होगी, खाली जगह होगी हमारे पास, उसका वॉल्यूम आएगा। तो इसके लिए जो है हमारे पास लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हम सबसे पहले जो मैस हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 306 ग्राम, और जो डेंसिटी है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने पहले बताया हुआ है। तो ये हमारे पास कितनी है, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ होल क्यूब। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जो ग्लास है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने फाइंड किया, इसमें वॉल्यूम किस का आएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारे पास कितना, और जो डेंसिटी है हमारे पास वो जाके डिवाइड हो जाएगी, मैस जो है वो हमारे पास कितना है, वो 306 ग्राम, और जो डेंसिटी है हमारे पास वो कितने, 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी किस चीज़ का हमारे पास, हमारे पास वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो हमने कैविटी का जब फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो होल क्यूब का हमने वॉल्यूम फाइंड किया था 125 में से हम माइनस कर देंगे 120, तो हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास किस कैविटी का जो है वो हमारे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोग इसकी समझ आई होगी। किसी भी किस्से को क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप इसको मुझसे जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।